स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम INH सेहत में। मैं हूं प्रथा शुक्ला और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर योगेश तिवारी जी। डॉक्टर तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो त्वचा संबंधित समस्याएं लंबे समय तक रोगी को परेशान कर सकती है। कई बार लंबे समय तक इलाज के बावजूद भी ये रोग ठीक नहीं होते हैं और रोगी निराश भी हो जाते हैं। ऐसे ही एक समस्या है सोरायसिस की, जो त्वचा के रूखेपन का कारण बन सकती है, लेकिन अगर सही तरीके से इसका इलाज कराया जाए तो इस रोग से भी निजात पाया जा सकता है। आज हम डॉक्टर योगेश जी से जानेंगे कि आखिर सोरायसिस होता क्या है और होम्योपैथी से इसका इलाज आखिर कैसे संभव है। तो चलिए उससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। त्वचा हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसके कई लेयर्स होते हैं और हर लेयर की अपनी जरूरतें होती हैं। इसके साथ ही हमारे खान पान और दिनचर्या का सीधा प्रभाव हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है और ये सबसे पहले हमारी त्वचा पर दिखाई देता है। सोरायसिस त्वचा की ही एक बीमारी है जिसमें त्वचा पर एक मोटी परत जम जाती है। आमतौर पर यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। सोरायसिस क्रॉनिक यानी बार बार होने वाली ऑटो इम्यून डिजीज है जो शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकती है। सोरायसिस को आम भाषा में छाल रोग भी कहा जाता है। इसमें त्वचा पर लाल दाग पड़ जाते हैं और कई बार इस रोग से पहले त्वचा पर बहुत ज्यादा खुजली होने लगती है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में हर साल सोरायसिस के कुल 1 करोड़ मामले देखने को मिलते हैं। इस रोग के प्रमुख कारणों में शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी और पर्यावरण भी एक बड़ा कारण माना जाता है। सोरायसिस त्वचा की एक ऐसी बीमारी है जो एक बार ठीक होने के बाद भी कुछ समय बाद फिर से उभर कर आ सकती है। सोरायसिस के लक्षणों को ज्यादातर लोग गंभीरता से नहीं लेते। बीमारी को नजरअंदाज करने और सोरायसिस रोग के संबंध में जागरूकता की कमी के चलते समय पर रोग का पता नहीं चल पाता और इस बीमारी के इलाज में काफी रुकावट आती है। ये रोग वैसे तो मुख्य तौर पर त्वचा को प्रभावित करता है, लेकिन रोग के ठीक ना होने पर और तकलीफ बढ़ने पर यह हमें मानसिक तौर पर भी परेशान कर सकता है। ठीक से उपचार नहीं किया जाए तो सोरायसिस से त्वचा संबंधी और भी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि सोरायसिस के कोई भी लक्षण दिखने पर डॉक्टर से परामर्श लिया जाए और इसे जड़ से खत्म करने के लिए सही उपचार कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। तो आज हम लगातार चर्चा करने वाले हैं सोरायसिस रोग के बारे में। अगर आपके मन में भी इससे जुड़ा किसी भी तरह का कोई सवाल है और आप इससे जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं और इसके लिए जो नंबर आपको डायल करना होगा वो है 0771-43555-00। मैं नंबर फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, 0771-43555-00। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और घर बैठे सोरायसिस से संबंधित कोई भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो कार्यक्रम के चलते डॉक्टर योगेश तिवारी जी से आप जान सकते हैं। तो चलिए डॉक्टर योगेश तिवारी जी, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जैसे कि आज हमने अपने दर्शकों को बताया कि आज के सेगमेंट में हम सोरायसिस को लेकर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक एक इंफॉर्मेशन आपसे लेना चाहेंगे, आखिर ये रोग क्या है? जी, सोरायसिस अभी जो खासकर सामान्य जो स्किन की बीमारियां हैं उनमें से काफी उभर कर आ रही है। लोगों को बहुत ज्यादा इसकी तकलीफ होने लग गई है, परंतु मैं सबसे पहले उनको बता दूं जिनको सोरायसिस है, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना ही ये रोग छुआछूत का है, ये या किसी को दूसरे को फैलता है कि कोई आपको हीन भावना रखना है कि ये ठीक नहीं होता है। डेफिनेटली इसकी बहुत अच्छी रिकवरी हो जाती है और बहुत ही आसान तरीके से ठीक हो सकता है। तो पहले तो मैं बता दूँ कि सोरायसिस होता क्या है। ये सामान्यतः स्किन का रोग है जिसमें स्किन जो है वो पीलिंग करने लग जाती है, पपड़ियाँ उसकी निकलने लग जाती है, रेड रैसेस होते हैं जो धीरे से सिल्वरी कलर की जैसे डैंड्रफ निकलता है उस तरीके से झड़ने लग जाती है स्किन जो है। और इसके कई तरह का प्रकार है, उसके अनुसार से अलग अलग जगहों पे ये सोरायसिस होता है, ये देखने को मिलता है। और मोस्टली अगर देखें तो मेल जो है वो ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा फीमेल के से अफेक्टेड होते हैं सोरायसिस से। जी बिल्कुल, ये सोरायसिस के बारे में तो हमने आपसे जान लिया और आपने बताया कि मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स ज्यादा इफेक्टेड, फीमेल कंपैरिजन में मेल थोड़ा सा, अच्छा मेल पर्सन्स को ये ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है। जी, इसके मुख्य कारण क्या कुछ हो सकते हैं?
जी, आज भी जैसे कि इसका कारण जो है वो अननोन है। बेसिकली ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ये ऑटो इम्यून डिजीज में जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज है, एक तरह का एक ये कह दे अपन, जैसे कि हमारे अगर अच्छे विचार हैं उस पर अगर गलत विचार हावी हो जाए, तो उसी तरीके से क्या होता है कि हमारे जो अच्छे सेल हैं उस पर हमारा कंट्रोल ना रह पाए, वो अच्छे सेल को हम डैमेज कर दें, ऐसा कोई सेल हमारे अंदर से बनने लग जाए जो अच्छे सेल्स को खराब करने लग जाए, हमारा खुद का सेल, तो क्या होने लगता है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे 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 घटने लग जाती है, उस रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली जो सेल है उसकी धीरे धीरे कमी होने लग जाती है, और उस तरह से ही फिर ये रोग होने लग जाता है। इसमें क्या होता है कि जो स्किन है, जनरली जो स्किन का जो प्रोलिफरेशन होना है एक समय में बनना है, जो स्किन की लाइफ है, जैसे मान लीजिए 20 से 30 दिन तक बनती है वो, ये इसमें बहुत जल्दी 10 टाइम्स 10 गुना जल्दी से प्रोलिफरेशन होने लग जाता है, बहुत जल्दी जल्दी, और पीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक प्रकार का इन्फ्लामेटरी डिजीज है। इन्फ्लामेशन जैसे कि जनरली इन्फेक्शन होता है जो वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, इस तरीके से ये ट्रिगर करने लग जाते हैं ये सारी चीज़ें। जी बिल्कुल। इसके मुख्य कारणों के बारे में आपने तो बताया, और जैसे कि अभी आपने बताया कि फीमेल्स के कंपैरिजन में मेल को ज़्यादा होते हैं, इसके क्या कुछ कारण हो सकते हैं? इसके कारण सबसे ज़्यादा ये है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, और कुछ हैबिट्स हैं जैसे कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सब चीज़ें हैं, ये कंपेरेटिवली मेल जो है वो ज़्यादा लेता है, इसलिए मेल में लिटिल बिट जो है उनसे ज़्यादा ये होता है। वैसे तो हटा हालांकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऐसा नहीं है कि फीमेल को ना हो, ये बिल्कुल किसी को भी हो सकता है और इवन बच्चों को भी होता है ये। जी, किसी को भी हो सकता है, लेकिन बात यही है, यदि आंकड़ों की बात की जाए तो फीमेल्स के कंपैरिजन में मेल मिल को जाता है ज्यादा होता है। जी, सिम्टम्स की अगर बात की जाए, क्या कुछ लक्षण इसके देखने को मिलते जी, हैं? जैसे कि अपन टाइप्स के अनुसार से देखते हैं, इसके भी बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे टाइप्स हैं, प्लेक्स सोरियसिस है, गटिट सोरियसिस है, इनवर्स सोरियसिस है, एरेथ्रोडर्मल सोरियसिस है, बहुत सारे वैरायटीज हैं, उसको वैरायटीज को भी हमने अलग अलग पार्ट्स में देखने के कारण से अपन ने योग किया है। जैसे कि प्लेक्स सोरियसिस जनरली हमको स्कैल्प पे मिलता है, स्कैल्प पे पपड़ियाँ आने लगती हैं, झड़ने लगता है पीछे की तरफ, और नेक की तरफ, कोहनियों में, घुटनों में, इस तरीके से वो झड़ने लग जाता है, स्किन जो है रेड रैसेस होने के बाद से वहाँ से डेंड्रफ के जैसे निकलने, इसीलिए हम इसको छाल रोग जो बोलते हैं वो झड़ने लग जाते हैं। गटिट सोरियसिस जो है जनरली एडल्ट में, बच्चों में देखने को मिलता है। पिस्टुलर सोरियसिस है जो कि पाम्स में और सोल में अपने को मिलता है, जिसमें छोटे छोटे पिस्टुल जिसको फुंसियाँ बोलते हैं वो पैदा हो जाती हैं। इनवर्स सोरियसिस हैं जो फोल्डेड चीज़ों, फोल्डेड जो पार्ट है लाइक एक्जिला है, फोल्डेड स्किन है जहाँ पे जेनाइटिलिया वगैरह है, उन जगहों पे देखने को मिलता है। तो जनरली अब एक तो और बहुत जो बहुत लिस्ट कॉमन सोरियसिस है जो है एरेथ्रोडर्मल सोरियसिस, जो कि बहुत सीवियर होता है, जो कभी कभी फेटल भी हो सकता है, उसके लिए ट्रीटमेंट तुरंत बहुत जरूरी है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत जरूरी हो जाता है कभी कभी, तो वो काफ़ी सीवियर फॉर्म में रहता है, रेड कलर के टीयर ड्रॉप्स इरप्शंस होने लगते हैं और पूरे बॉडी में होने लगते हैं। और इसमें जनरली क्या होता है कि सोरियसिस में इचिंग होना, रेसेस होना और बर्निंग होना, ये कॉमन सिम्टम्स है इसका। जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, छतरपुर से संध्या जी ने हमें कॉल किया है। संध्या जी, बहुत स्वागत है आपका INH सेहत में। क्या जानना चाहती हैं आप? सोरायसिस को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इसका इलाज हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, इलाज हो सकता है, बिल्कुल इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है, आप होम्योपैथिकली किसी भी अच्छे डॉक्टर्स को मिल सकते हैं और बहुत अच्छा रिकवरी आपको हो जाएगा। आपको कहाँ कहाँ पे क्या तकलीफ है जरा बता सकते हैं? नहीं, मेरा क्या है, जब स्टार्टिंग में हुआ तो दोनों हथेलियों के चमड़े सूखे और चमड़ी निकलने लगी, उसके बाद फिर पैरों में, मेरे घुटने के नीचे ज्यादा है और बांह में कोहनी के नीचे ज्यादा है। जी, इनको प्लेक्स सोरियसिस के जैसा है कि घुटने में भी है, इनको हथेलियों में भी है, और जनरली ये जो सोरियसिस है वो ट्रिगर करने लगता है हमारे स्ट्रेस से, कहीं इंजरी फ्रिक्शन वगैरह से, डस्ट या केमिकल चीज़ों से, या और भी चीज़ें जो है, जैसे कि मान लीजिए हमारी डाइट्स प्लान सही नहीं है, हम न्यूट्रिशियस चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं, जैसे कि विटामिन डी, स्पेशली विटामिन डी अगर कम रहेगा तो डेफिनेटली स्किन जो है पीलिंग करने लग जाती है। तो आप इस तरीके की चीज़ें आप अपने डॉक्टर से मिलिए और डेफिनेटली वो ट्रेस करिए कि आखिरकार क्या हो रहा है, वो आपका केस को देखेंगे और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बेस्ट ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं। जी बिल्कुल।
थोड़ी देर पहले आपने बताया कि ये किन्हीं भी लोगों में देखा जा सकता है, चाहे बात महिलाओं की हो, पुरुषों की हो या बच्चों की बच्चों हो। की हो। अगर एज ग्रुप की बात की जाए तो क्या पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप होता है या किसी भी उम्र के लोगों को यह हो सकता है? किसी भी उम्र में हो सकता है ये, ऐसा एज ग्रुप नहीं है। फिर भी एडल्ट लाइफ में और आफ्टर, जब फीमेल में देखें तो मीनोपॉजल जो लाइफ है उनकी, पीरियड्स खत्म होने के बाद की जो लाइफ है उसमें भी देखने को मिलता है। कई बार तो प्रेगनेंसी में भी देखने को मिलता है। अगर किसी को सोरियसिस है तो प्रेगनेंसी के दौरान तो काफ़ी फ्लेयर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इन चीज़ों को भी देखने मिलता है। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी खास पर्टिकुलर लाइफ एज पे जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कभी भी हो सकता है। खासकर उनको होने के बहुत चांसेस रहते हैं जिनके अनुवांशिकी रही है, जिनके घर में या जिनके परिवार में कभी ऐसा किसी को हुआ है, उनको देखने को बहुत जल्दी मिलता है। उनको उनको कम से कम इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है। और ऐसा कुछ भी चीज़ें दिखती है, रेड ड्रेसेस दिख रही है, इचिंग हो रही या पीलिंग हो रहा है, डेंड्रफ जैसा कुछ लग रहा है, कुछ झड़ रही है स्किन जैसे कि, तो डेफिनेटली आप तुरंत अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। जी बिल्कुल। इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर योगेश जी कि स्कैल्प में भी ये समस्या देखने को मिलती है, तो क्या ये संभव है कि बाकी शरीर के किसी पार्ट्स में नहीं है लेकिन अगर सिर्फ स्कैल्प में है तो क्या ये भी सोराइसिस है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पार्ट्स में एक साथ हो सकता है स्कैल्प में ही आपको नजर आ रहा हो और आप उसको डेंड्रफ करके नजरअंदाज कर रहे हो और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा हो, तो इसलिए जरूरी है कि अगर ऐसा लगता है, क्योंकि वो आपको दिखने भी लग जाता है, इचिंग होगी डेंड्रफ में, जनरली सामान्य इतनी इचिंग तो नहीं होती जितनी डेंड्रफ के कंप्लेंट्स में रहता है, तो अगर इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही है, हमको इतनी ज़्यादा स्किन जो है वो झड़ रहा है, सिल्वरी कलर का जो पीलिंग हो रही है, तो ऐसा अगर हो रहा है तो आप डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, देखें जी कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वो धीरे 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 बाकी भी बॉडी पार्ट्स में फैल जाए। जी बिल्कुल। तो अगर स्कैल्प में ये समस्या देखने को मिलती है तो इसे ये सोच के नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि कि ये केवल डैंड्रफ डैंड्रफ हो इश्यू हो सकता सकता है, ये सोराइसिस के भी लक्षण हो सकते हैं, ये सोराइसिस भी हो सकता है। और चलिए योगेश जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सोराइसिस को लेकर तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, अब बचाव के बारे में आपसे जान लेते हैं कि आखिर इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? जी। पहले तो ये चीजें हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो बिल्कुल सबसे सही चीज है। तो उनके लिए जिनके परिवार में ऐसी रोग है वो खासकर अवेयर रहें, हर आदमी को डरने की जरूरत नहीं रहती है, और जिस तरीके से जो कारण होते हैं जिन वजह से हमने देखा है कि सोरियासिस होता है, उन कारणों से बचें, जैसे कि आप स्ट्रेस लेने से बचें, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेना डेफिनेटली सोरियासिस का कारण है, ओबेसिटी से बचें, ओबेसिटी दोनों पैरलर है, अगर सोरियासिस है तो ओबेसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और अगर ओबेसिटी है तो सोरियासिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं वो अपना खासकर ध्यान रखें स्किन को लेकर के, उनको भी बहुत ज़्यादा मोर प्रोन रहता है सोरियासिस होने का, और या कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी ध्यान रखें। ऐसे ड्रग्स जैसे कि लाइक द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी पे जिन लोग हैं उनका अचानक से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को विड्रॉ करना अचानक से सोरियासिस को फ्लेयर कर देता है, ये चीज़ें ध्यान रखें। एंटी मलेरियल ड्रग्स है, हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, और जो रोगनाशक दवाइयाँ हैं जिसको हम पेन किलर कहते हैं, ये जैसे ड्रग्स हैं, तो इन तरह के जो लोग ऐसे ड्रग्स को ले रहे हैं वो खासकर अपने स्किन को लेकर के एक सजग रहें, ध्यान रखें कि ऐसी कोई चीज़ें हैं तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। अब जी बचाव करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप प्रॉपरली डाइट मेंटेन करें जिसमें ओमेगा 3 वगैरह हो जो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन डी की कमी आपको ना हो इसका ध्यान रखें, तो विटामिन डी की डाइट्स लें, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी पैक्ड चीज़ें ये चीज़ें ना खाएं, प्रिजर्वेटिव चीज़ें ना खाएं जिससे कि स्किन डैमेज होता हो, जिसमें केमिकल बहुत ज़्यादा मात्रा में जाता हो, ये चीज़ों से बचें। और स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये चीज़ों से बिल्कुल टोटल ऑफ करें, अगर इस तरीके से चीज़ें आपको दिख रही है तो ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सोरियासिस को बढ़ाने का काम करता है। बिल्कुल प्रॉपरली रेस्ट लें, एक्सरसाइज प्रॉपर करें, योगा करें, प्राणायाम करें, ये चीज़ें अगर आप शामिल करते हैं अपने लाइफ स्टाइल में तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं और इससे मुक्त हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस से दूर रहना है, एक्सरसाइज करना है और हेल्दी डाइट अगर हम लेते बिल्कुल हैं तो बिल्कुल सोराइसिस जैसी जो परेशानी है उससे बचा जा सकता है। 100%। और अगर इन सभी चीज़ों को अगर कैरी किया जाए तो बाकी भी जो बीमारियां हैं वो भी हमें नहीं घेरेगी, क्योंकि हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज ये बहुत ज़्यादा जी ज़रूरी होता जी है। जी जी, जी होम्योपैथी के बारे में चर्चा करते हैं डॉक्टर योगेश जी आपसे कि जी होम्योपैथी में इसका इलाज आखिर कैसे संभव है? बहुत अच्छा है, बहुत ही एक्सलेंट
इलाज है होम्योपैथी में सोरेसिस पेशेंट के लिए, सोरेसिस पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होप है होम्योपैथी, विदाउट साइड इफेक्ट ट्रीटमेंट है, ऐसा कहीं पर भी कुछ भी आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला इस थेरेपी के दौरान, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलता है, और इतना अच्छा रिकवरी होता है कि पेशेंट को कई बार तो ऐसा होता है कि वापस रिकरेंसेस के चांस नहीं रह पाते हैं। हालांकि ये क्रॉनिक डिजीज है जिसमें रिकरेंसेस होती है, ये देखी जाती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, जनरली हम क्रॉनिक शब्द उसी को यूज करते हैं जो लंबे समय से चली आ रही हो, फिर भी होम्योपैथिकली बहुत अच्छी रिस्पॉन्डिव मेडिसिन है, बहुत अच्छे, जैसे मैंने कहा कि ऑटो इम्यून डिजीज है अपने आप पैदा हो जाती है, हमारे जो अच्छे सेल्स हैं वो खत्म होने लगते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा अल्टर्ड हो जाता है, तो आप अगर होम्योपैथिकली ट्रीटमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपका इम्यून सिस्टम को इतना अच्छा राइज किया जाता है, इतनी अच्छी आपको स्किन के लिए ग्रो अप मिलता है होम्योपैथिक से कि ये बिल्कुल रिकवर हो जाता है। जी बिल्कुल, आगे आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर योगेश जी कि अगर सोरायसिस जैसी कोई गंभीर बीमारी जो है किसी पेशेंट को घेर लेती है तो क्या इससे और भी अन्य रोग हो सकते हैं, इसका खतरा और बढ़ सकता है? जी जी जी, इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर सोरायसिस किसी को हो जाता है तो, जैसा सोरायसिस चमड़ी का रोग है तो कई बार सोरायसिस जो है वो नीचे बोन्स पे भी पहुंचता है, ज्वाइंट्स को भी खाने लगता है, जिसको हम सोरायसिस आर्थराइटिस वगैरह बोलते हैं, जिससे कि पूरा डैमेज हो जाती है जॉइंट्स जो है, और कभी कभी डिफॉर्मिटी भी आ जाती है, इतनी ज्यादा होती है कि डिफॉर्मिटी तक आ सकता है। सोरियासिस मैंने कहा ना, सोरियासिस ओबेसिटी से भी होता है, सोरियासिस ओबेसिटी को भी जोड़ता है, वैसे ही टाइप 2 डायबिटीज के लिए कि सोरियासिस कभी टाइप 2 डायबिटीज को वाले जो हैं वो सोरियासिस से सफ़र करते हैं, या जो सोरेटिक हैं वो टाइप 2 डायबिटीज से सफ़र करते हैं, और कई बार तो कार्डियक संबंधित तकलीफ भी आ जाती है सोरियासिस के पेशेंट को, किडनी में भी तकलीफ देखी जाती है जिनको सोरियासिस है, तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट करती हैं सोरियासिस जो हैं। जी बिल्कुल, तो सोरायसिस से अगर किसी पेशेंट को ये घेरते हैं तो बिल्कुल ये इसके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं कि इससे संबंधित और भी परेशानी या तकलीफ जो है वो और भी हो सकती है, और भी ऑर्गन पे जा सकता है। बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जयपुर से, पंकज जी ने हमें कॉल किया। पंकज जी बहुत स्वागत है आपका INH सेहत में, सोरायसिस को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं आप, सवाल रखें अपना। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल सोरायसिस से थोड़ा अलग है लेकिन स्किन को लेके है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्किन पे चेहरे पे कभी कभी दाने दाने हो जाते हैं जो, और वो अपने आप ठीक भी होते हैं, तो सर उनका क्या उपचार हो सकता है और क्यों होते हैं? जी, चेहरे पे जो दाने दाने हो जाते हैं, मैंने कहा ना कि सबसे पहले बात है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो सही रहे, स्ट्रेस आप ना ले, कोई भी चीज़ ऐसा है जो प्रॉपरली आपका बॉडी फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो वो किसी ना किसी रूप में आपको बाहर करेगा, या किसी चीज़ का एलर्जी होने से भी इस तरीके से चीज़ें हो सकती है, या प्यूबर्टी आफ्टर प्यूबर्टी ये देखा जाता है कि हार्मोनल चेंजेस होता है बॉडी में तो कभी कभी पिस्टुल्स वगैरह निकलने लग जाते हैं, या हमारी डाइट्स में बहुत ज़्यादा ऐसे ऑयली स्पाइसी प्रोडक्ट्स हैं जो हमको नुकसान पहुँचा सकती है, जो जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम हैं, जो प्रॉपरली हमारे इम्यून सिस्टम को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो कम है, तो भी ये हरकत हो सकती है, तो इन चीजों से बचें। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका सवाल भी था फेस को लेकर, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सोरायसिस फेस के स्किन पे भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, फेस पे भी हो सकता है, सोरायसिस किसी भी पार्ट पे हो सकता है, नेल्स पे हो जाता है सोरायसिस जो है, वो नेल्स को भी अफेक्ट कर देता है, नेल चपटे हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, तो नेल्स को भी होता है सोरायसिस। जी बिल्कुल हो सकता है। अगर नेल्स में या फेस में होता है तो इसके लिए इस समय में क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, पहला तो ये चीज़ है कि आप ये इन चीज़ों का ध्यान रखें कि सोरियासिस अगर है किडनी को और इस तरीके से, तो ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, आपकी जो स्किन है वो ड्राइनेस ना हो, तो सोप का कम से कम यूज़ करेंगे क्योंकि सोप जो है वो ड्राइनेस दे जाता है, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र है जैसे कि ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल वगैरह है, ये काफी टाइम 2-3 बार उसमें अच्छे से चुपड़े जिससे कि वो नर्म रहे इस चीज़ों का। दूसरा, फ्रिक्शन ना हो, आप फ्रिक्शन ना करें, बहुत रगड़ करके कई लोग नहाते हैं, उन चीज़ों से फ्रिक्शन होने लगता है, इंजुरी होने लगती है, ऐसे ही आपका जो स्किन है वो 10 times ज़्यादा प्रोलीफरेट हो रहा है और आप उसको इंजर्ड कर देते हैं स्किन को, तो बहुत मोर चांस रहता है कि सोरेसिस बढ़ने लग जाए, तो उन चीज़ों से बचें। जी बिल्कुल, आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर सोरायसिस के कोई पेशेंट है और जैसे कि आपने बताया कि विटामिन डी उन्हें ज्यादा उन्हें अपने डाइट में लेना चाहिए, तो क्या अगर कुछ कम डाइट है? में जी अगर आपको विटामिन डी का कम है तो आप डाइट में विटामिन डी रखें, तो किस टाइप के डाइट को शामिल किया जाना चाहिए? विटामिन डी के लिए डेफिनेटली आप स्प्राउट चीजें लें, एग ले सकते हैं,
और सबसे अच्छा सोर्स है कि सुबह सुबह आप कम से कम 10 से 15 मिनट सूर्य की रोशनी में रहें, ये सबसे अच्छा सोर्स है, वहाँ से आप विटामिन डी ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो सूर्य की रोशनी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो काफी हालांकि बदल चुकी है, लोग काफी लेट से उठते हैं, इसलिए बीमारियां चली आ रही हैं। जी बिल्कुल, तो हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक कॉलर हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुकी है, मधुबनी जिन्हें हमें कॉल किया है, बहुत स्वागत है आपका INH सेहत में। सोराइसिस को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं आप, सवाल रखें अपना। राजेश जी, मेरा मतलब दिनय है, दिनय मतलब छोड़ने वाला है जी। अपना सवाल फिर से दोहराएंगे राजेश जी। मैडम बोले दिनय है, वो मतलब छोड़ने वाला है। आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ पा रही है जी। आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं मिल पा रही है, आप सवाल फिर से दोहरा देंगे। बोले मैडम हमारे दिनय है ना, हेलो, जो त्वचा पर दिनय होता है वो छूट नहीं रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा। लगता है सवाल इनका हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो सोराइसिस के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और आगे आपसे जानना चाहेंगे कि अगर घर में किन्हीं को हो जाता है ये, तो बाकी लोगों को फिर क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये कंटेजियस नहीं है जो एक से दूसरे को फैल जाए, पर अनुवांशिकी होने की वजह से बाकी लोग को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए अपने स्किन को लेकर के। जरा भी थोड़ा सा ऐसा कोई स्पॉट्स अगर नजर आता है उनको, तो डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। ऐसा खुजली अगर चल रही है, ऐसा पीलिंग कहीं हो रहा है स्किन पे, तो डेफिनेटली कंसल्ट करें। कई बार हम उसको फंगल डिजीज है ये सोच करके खुद ही कहीं ना कहीं मेडिकल से जा करके कुछ ना कुछ ऑइंटमेंट लेकर के उसको लगाते रह जाते हैं और वो धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके की हरकतों से बचें, अगर थोड़ा भी हमको इस तरीके का साइन मिलता है तो हम डेफिनेटली जा करके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। जी बिल्कुल, तो सोराइसिस के जो कुछ भी लक्षण, जो कुछ भी सिम्टम्स डॉक्टर योगेश जी ने बताए हैं, वो यदि आपको देखने को मिलते हैं तो बहुत ज़रूरी होगा कि आप नियर बाय डॉक्टर के पास में जाएं और उनसे कंसल्ट करवाएं। तो आज के INH सेहत में इतना ही। डॉक्टर योगेश जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को सोराइसिस के बारे में इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।